दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कर्ण और द्रौपदी के प्रेम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, महाभारत के दो सबसे चर्चित पात्र कर्ण और द्रौपदी आज जीवन ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम कर्ण और द्रौपदी के प्यार के बारे में विस्तार से जानते हैं। आज हम जानेंगे कि कर्ण और द्रौपदी को कब एक दूसरे से प्यार हुआ था और क्यों उन दोनों की शादी नहीं हो पाई और कब तक वो एक दूसरे से प्रेम करते रहे और मरने के बाद उन दोनों का मिलन कैसे हुआ था। अगर नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहते हैं कि द्रौपदी उस समय सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी को देखकर राजा द्रौपदी के ऊपर मोहित थे। द्रौपदी एक निडर स्त्री थी और उसकी निडरता ही कर्ण को काफी ज्यादा पसंद आती थी। द्रौपदी अपने सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए प्रत्येक दिन जंगल में जाया करती थी। उसी भ्रमण के दौरान कर्ण ने एक दिन द्रौपदी को देखा था और कर्ण को द्रौपदी से प्रेम हो गया। जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा ध्रुपद ने द्रौपदी के कक्ष में दासी द्वारा महान योद्धाओं के चित्र भेजवाए थे, उस चित्र में कर्ण का भी चित्र था। क्योंकि दुर्योधन के मित्र होने के कारण सभी कर्ण का सम्मान करने के साथ साथ उन्हें राजवंश के ही जैसा मानते थे। द्रौपदी ने जब कर्ण का चित्र देखा तो मन ही मन वो भी कर्ण को पसंद करने लगी थी। द्रौपदी के स्वयंवर के पहले राजमहल के बाहर एक अभ्यास स्थल बनवाया गया था और द्रौपदी हमेशा उस अभ्यास स्थल पर अपना नजर रखा करती थी। अभ्यास स्थल में कर्ण भी दुर्योधन के साथ पहुँचे हुए थे, लेकिन कर्ण उस अभ्यास स्थल में अभ्यास नहीं कर रहे थे। दुर्योधन अभ्यास करते और कर्ण उनके साथ खड़े रहते थे। द्रौपदी बहुत देर से ये सब देख रही थी। सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं और ये एक व्यक्ति हमेशा ही खड़ा रह रहा है, अभ्यास नहीं कर रहा है। कुछ देर बाद नाश्ते का समय हुआ, सभी लोग नाश्ते के लिए चले गए और कर्ण उस अभ्यास स्थल में वहीं पर रुके हुए थे। कर्ण को वहीं पर रुका हुआ देखकर द्रौपदी कर्ण के पास आई और कर्ण से पूछे कि सभी लोग यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, केवल आप ही अकेले चुपचाप खड़े हैं, आखिर बात क्या है, क्या आपको अभ्यास नहीं करनी। अब कर्ण ने बताया कि वो स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए हैं, वो तो सिर्फ अपने दोस्त के साथ स्वयंवर में आए हैं और वो एक शुद्ध पुत्र है। ये बात सुनकर द्रौपदी ने कर्ण से कहा कि किसी भी मनुष्य की पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं होती है, बल्कि उसकी पहचान तो उसकी कर्मों से होती है। ये बात सुनकर कर्ण को द्रौपदी के प्रति और भी ज्यादा प्रेम बढ़ गया और द्रौपदी भी मन ही मन कर्ण से प्रेम करती थी। यहीं पर शुरू हुई थी द्रौपदी और कर्ण की प्रेम कहानी। तो आइए अब जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और कर्ण में वो कौशल भी था जो प्रतियोगिता में विजयी हो जाते, फिर भी दोनों का विवाह क्यों नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ स्वयंवर में जो द्रौपदी और कर्ण अलग हो गए। स्वयंवर में सभी राजा महाराजा पधार चुके थे, प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, लेकिन द्रौपदी की नजर सभी राजाओं और पांडवों में केवल कर्ण को ही ढूंढ रही थी। प्रतियोगिता शुरू हुई, प्रतियोगिता में ऊपर रखी मछली की आंख में निशाना लगाना था, नीचे बर्तन में रखे तेल में देखकर सभी प्रत्याशी बारी बारी से जाते और धनुष उठाने की कोशिश करते, लेकिन कोई धनुष उठा पाता, किसी से धनुष उठ ही नहीं पाता था। ऐसा करते करते सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजा धनुष को उठाने में और धनुष पर असमंजक चढ़ाने में असमर्थ हो गए थे। सभी राजा ध्रुपद सभा में ललकारते हुए कहा कि क्या इस सभा में कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस प्रतियोगिता को जीत सके, इकार है ऐसे राजाओं के ऊपर। यह बात सुनकर कर्ण क्रोधित हो उठे और वो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे बढ़े। वो गए आगे बढ़े, धनुष भी उठाया और असमंजक भी चढ़ाई, तीर निकाला। उनके इस कौशल को देखकर द्रौपदी काफी खुश हो गई, लेकिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि ये तुम्हारे लिए उचित वर नहीं है, इसे किसी भी तरह रोक लो। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी और वो अपने भगवान की बात टाल नहीं सकती और अपने प्रेम का त्याग करते हुए द्रौपदी ने कहा कि मैं एक शुद्ध पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। इस बात से कर्ण को बहुत आघात पहुंची। द्रौपदी जैसी निडर और क्रांतिकारी जैसी सोच रखने वाली स्त्री उनके जाति के आधार पर उनका अपमान कैसे कर सकती है। ये वो पड़ाव था जिसमें द्रौपदी और कर्ण एक दूसरे से अलग हो गए। वहाँ पर पांडव ब्राह्मण रूप में आए और अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत अर्जुन और द्रौपदी की शादी हो गई। ये एक अलग कहानी है। स्वयंवर में द्रौपदी से अपमानित होने के बाद कर्ण के मन में एक कड़वाहट भर चुकी थी। द्रौपदी से विवाह न होने के बाद कर्ण ने विवाह किए थे। जब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी का वस्त्र हरण करके अपने जंघा पर बैठाने का आदेश दिया तो सभी खेल का नियम बहाना बनाकर मौन रहे और कर्ण को ये सब बहुत बुरा लग रहा था।
लेकिन कर्ण स्वयंवर में हुए अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मौन थे। जब भीष्म पितामह मृत्यु की सैया पर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय महारथी कर्ण भीष्म से मिलने पहुँचे। उन्होंने भीष्म को द्रौपदी से आजीवन प्रेम करने की रहस्य बताया। जब वो अपने प्रेम से जुड़ी विभिन्न घटनाएं भीष्म को बता रहे थे, तो ये बात द्रौपदी ने भी सुन ली थी। उस समय द्रौपदी को ज्ञात हुआ कि केवल वही नहीं बल्कि महारथी कर्ण भी उसे बहुत प्रेम करते थे। वही महाभारत के युद्ध में कर्ण के मृत्यु के बाद द्रौपदी को बहुत आघात हुआ और द्रौपदी अंदर से टूट गई थी। उसे बहुत दुख हो रहा था और वो कूट कूट कर रोने लगी थी। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद जब सभी स्वर्ग पहुँचे, तब कर्ण ने सबसे पहले द्रौपदी का स्वर्ग द्वार पर फूल बरसाकर स्वागत किया था और स्वर्ग में जाकर उन दोनों का मिलन हुआ। दोस्तों, कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कहानी के बारे में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।